हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो नया इवेंट है गुड ओवर एविल, उसको हम किस तरीके से मैक्स करें और ये जो हमारी नई पक है स्पार्क, उसको कैसे ओपन करें। जी हाँ गाइस, ये पक काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। इस डार्क टेबल पे थोड़ी डल लग रही है, लेकिन अगर लाइट टेबल पे आप खेलेंगे तो ये काफ़ी ज़बरदस्त लगेगी और काफ़ी अच्छी पक है। तो गाइस देखिए, आपको करना क्या है, सिंपली अगर आपके पास क्वाइंस हैं तो आप मास्टर वाला चेस्ट लगाइए बेंगलोर का, उससे काफ़ी तेज़ आपका मैक्स हो जाएगा। और फ्री स्टाइल खेलिए अगर आपको जल्दी मैक्स करना है, फ्री स्टाइल में आपका जल्दी मैक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैच हारने पे आपका पॉइंट लॉस हो रहा है, तो आपको टर्न आपकी आनी चाहिए तभी आपका ये जल्दी मैक्स हो पाएगा। और जिनके पास कॉइंस नहीं है तो वो छोटा टेबल भी खेल सकते हैं, जैसे प्रो वाला टेबल बेंगलोर का या फिर और भी छोटा कोई सा भी आप टेबल खेलेंगे तो उसमें आपको पॉइंट मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आपको बेंगलोर स्ट्रीट का ही टेबल खेलना है, क्योंकि बेंगलोर स्ट्रीट का जो मास्टर चेस्ट है उसमें सब लूलू एम कैरम वाले ज़्यादा आ रहे हैं इवेंट मैक्स करने के चक्कर में, तो उसमें काफ़ी दिक्कत होगी, टर्न भी नहीं आएगा। जिसके पास कॉइंस नहीं है तो उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए आप छोटा टेबल खेल के भी इसको मैक्स कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, ये काफ़ी जल्दी मैक्स हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ़र तो एक दिन रहेगा, एक दिन से ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन आप इसको एक दो घंटे में आराम से मैक्स कर सकते हैं खेल के। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मैक्स कर लिया था कुछ गेम प्ले करके, तो यहाँ पे टोटल 1500 पॉइंट्स चाहिए, मैंने आपको कल बताया था। और इसमें सिर्फ गोल्डन चेस्ट है और ये पक है। और इसमें गाइस एक चीज़ अच्छी बात है, इसमें आपको बॉक्सेस नहीं ओपन करना जिसमें आपकी जिम्स वेस्ट होती, बॉक्स बार बार ओपन करिए फिर पॉइंट्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप डायरेक्ट गेम विन करिए, डायरेक्ट आप सारे पॉइंट्स सारे रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं इजीली, तो इसमें आपके जेम्स का लॉस नहीं होगा। बस हाँ, अगर आपकी टर्न नहीं आएगी तो आपके कॉइन्स का लॉस होगा, लेकिन जेम्स इसमें लॉस नहीं होगा। ये अच्छा काम किया है मिनी क्लिप ने। तो यहाँ पे देखिए, सारा इवेंट मैंने मैक्स कर लिया था, अब इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और ये पक देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, क्योंकि थोड़ा यूनिक पक है ये, गौरी पक भी काफ़ी अच्छी होगी। तो हो सकता है फ्रेंड जो नेक्स्ट इवेंट आए गौरी जो 2930 को आएगा, वो भी सिमिलर इसी तरीके का कुछ होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इवेंट में मिनी क्लिप हमको किस तरीके से टास्क देता है, कैसे हम गौरी पक कलेक्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इवेंट मैक्स कर लिया और सारे रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर लिया। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।